महाराष्ट्र की सत्ता पर कौन होगा काबिज और किसकी बनेगी सरकार। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के निमंत्रण देने के बाद भी बीजेपी सरकार बनाने से हटाए पीछे कदम। महाराष्ट्र में 50-50 के अपने ही फॉर्मूले में फंस गई शिवसेना। पवार भी चाहते हैं रोटेशनल सीट। शिवसेना को समर्थन पर कांग्रेस एनसीपी में घमासान। एक दूसरे पर देरी को ठीकरा फोड़ रही कांग्रेस एनसीपी। महाराष्ट्र में मचे सीआईसी घमासान के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने किया ट्वीट, कहा हम जरूर होंगे कामयाब। तो वहीं रामविलास पासवान ने बेटे चिराग को सौंपी एलजेपी की कमान। चिराग पासवान बोले झारखंड चुनाव अपने दम पर लड़ने के लिए तैयार है एलजेपी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल लाइव में। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर नया पेज फंसता नजर आ रहा है। कांग्रेस का मानना है कि देरी उनकी तरफ से नहीं बल्कि एनसीपी चीफ शरद पवार की ओर से हो रही है। इसके पीछे कांग्रेस की थ्योरी है कि शरद पवार चाहते हैं कि दोनों पार्टियों शिवसेना और एनसीपी को ढाई ढाई साल सीएम पद मिले, यानी सीएम का पद रोटेशनल हो। वहीं शिवसेना अभी भी आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। दिलचस्प बात यह है कि शिवसेना ने जिस 50-50 फॉर्मूले के चलते बीजेपी से अपना 30 साल पुराना नाता तोड़ा है, उसी के फेर में अब वह फंसती नजर आ रही है। दरअसल शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत दर्ज की है और एनसीपी ने 54 सीटें जीती हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो एनसीपी के पास महज 2 सीटें कम हैं। हालांकि एनसीपी की तरफ से लगातार महाराष्ट्र में वैकल्पिक सरकार देने की बात की जा रही है। बदायूं का ऐतिहासिक मेला ककोड़ा आज विधिवत रूप से शुरू हो गया है। रुहेलखंड का सुप्रसिद्ध मिनी कुंभ मेला ककोड़ा का मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता और दर्जा राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने मुख्य द्वार का फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। बैंडबाजों के साथ अतिथियों का अमला आगे बढ़ा। इसके बाद स्काउट कैंप ब्रह्म कुमारी गायत्री परिवार के मुख्य द्वारों का फीता काटा। इसके बाद मुख्य अतिथि महेश चंद्र गुप्ता और बीएल वर्मा मुख्य गंगा तट पर पहुंचे। रामप्रकाश शास्त्री ने वेद मंत्रोच्चारण कर पूजन कराया और सांस्कृतिक कला मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विधिवत शुभारंभ किया। तो वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बालिकाओं ने सरस्वती वंदना और स्वागीत प्रस्तुत किया। खबर यूपी के मुरादाबाद से, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या राम मंदिर पर आए आदेश पर देश की एकता अखंडता के प्रतीक सभ्य समाज को जागरूक करने के लिए पुलिस प्रशासनिक स्तर पर सभी धर्म के लोगों में देश भाव प्रेम भाव की अलख जगाने के लिए पुलिस रेंज की महत्वपूर्ण अधिकारी गुरु नानक देव महाराज के सिविल लाइन रामपुर पर जाकर गुरुद्वारे की कमेटी से वार्ता की गई। आगामी 550वां प्रकाशोत्सव को दृष्टिगत रखते हुए अविनाश चंद्र अपर पुलिस महानिदेशक के साथ पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर अजय पाल पुलिस अधीक्षक को कार्यक्रम के संबंध में संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और गुरुद्वारे में लंगर भी ग्रहण किया गया। कमेटी के जरिए अधिकारीगण को स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया गया। तो वहीं बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के गांव बहटा गुसाई रोड पर ट्रैक्टर ने बाइक को रौंद दिया, जिससे बाइक पर सवार एक महिला की मौत हो गई, चालक घायल हो गया। जानकारी मिलते ही मौके पर बिलसी थाना पुलिस पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक पता चल पाया है कि नदीम अपनी पत्नी यास्मीन को दवा दिलाने के लिए बहटा गुसाई से बिलसी जा रहा था। इसी बीच उसके गाँव के पास सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी पत्नी यास्मीन की सिर से ट्रैक्टर का पहिया उतर गया और उसकी वहीं मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। यूपी के बदायूं जिले में गहरे कुएं में गिरे सैंड ने तहसील प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी है। आनन फानन में अफसरों ने पहुंचकर बेमुश्किल उसे निकाला। दरअसल बिलसी तहसील परिसर के पीछे एक 20 फीट गहरे कुएं में एक सैंड पिछले 2-3
दिन पहले गिर गया था, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने तहसील प्रशासन को दी। मौके पर तहसीलदार अशोक कुमार सैनी राजस्व टीम के साथ पहुंच गए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के लोग भी वहां पहुंच गए, जहां गहरे कुएं में एक सांड को देखा तो उसे निकलवाने के लिए नगर पालिका की जेसीबी मंगाई गई। साथ ही पशु चिकित्सा अधिकारी को भी इसकी जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुन्नालाल यादव ने सांड को नशीला इंजेक्शन देकर बेहोश किया और उसे बाहर निकाला गया। एक सूचना मिली थी कि अमियापुर का ये इलाका है और ये नगर पालिका क्षेत्र में पड़ता है, सांड है वो गिर गया है। सूचना पे हम आए हैं, पुलिस फोर्स आई है, जैसा कि वास्तव में सांड पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो हुआ है वो अनअटेंडेड है। काफ़ी समय से उसमें पानी ने निकाला गया है, लेकिन ये टोटली लापरवाही है गोस्वामी की। उसको चाहिए था कि यदि पानी नहीं निकाल रहे हैं तो उसको कवर करता या इसकी बाउंड्री बनाता या इसको पास देता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। प्रथम दृष्टि से लापरवाही है। अभी सांड को निकाल दिया गया है नंदी को और डॉक्टर का उपचार कराया जाएगा और उपचार से बाकी कंडीशन ठीक है, सेफ है। रेड हॉर्न डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी के जरिए असम के काबियालोंग में आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीण महिलाओं को सिलाई मशीन वितरण की गई। सेना के इस कार्य के स्थानीय महिलाओं ने काफी प्रशंसा की। इस सिलाई मशीन वितरण का मूल उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से पिछड़ी ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, ताकि वो अपने घर में रहकर भी सिलाई का काम करके आत्मनिर्भरशील बन सके। प्रोजेक्ट का मेन एम है कि लोगों को हेल्प करना, ताकि हमारे जो आर्मी के जो डाउन ट्रोडन पीपल हैं, जिसके पास में प्रोजेक्ट पहुंचता नहीं है और रूरल होने के कारण, रिमोट एरिया में होने के कारण, और साथ में हमारे जो आर्मी का ऑपरेशंस हैं रिमोट एरिया में रहता है, तो उनको जो सेलेक्टेड पीपल को जो स्किल्ड होते हैं और उनको उनके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं होता है इम्प्रूवमेंट करने का लाइफ में, तो उनको हेल्प करने का है। तो इसमें कई सारे हमारे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें से एक सीइंग मशीन डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोजेक्ट है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किसने किया? ये रेड हॉर्न्स डिवीजन है, तो रेड हॉर्न्स डिवीजन ने किया है और हमारा कैंप जो है बागुड़ी आर्मी कैंप है और 366 रेजिमेंट है हमारा यूनिट, तो वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट हमने रेड हॉर्न्स डिवीजन के हिसाब से उनके बिहाफ में किया है। खबर असम के गुवाहाटी से, जहां विशाल व्यक्तित्व के अधिकारी शोषित, पीड़ित और उपेक्षित के उत्थान के लिए समर्पित जीवन जीने वाले दंतोपंत थेगड़ी का जन्म शती समारोह उत्तर गुवाहाटी के गैर संगठित श्रमिक संघ और अनुबंधित कारीगरी मजदूर यूनियन के अगुवाई में और भारतीय औद्योगिक संस्थान गुवाहाटी के सहयोग से गुवाहाटी महाविद्यालय में किया गया। अध्यक्ष कुलेन बोडो की अगुवाई में संचालित सभा का संचालन सहकारी अध्यक्ष मुक्तेश्वर गोस्वामी ने किया। सभा का प्रारंभ शंकरदेव शिशु निकेतन उत्तर गुवाहाटी के विद्यार्थियों के जरिए दीप मंत्र और गीत से किया गया। साथ ही सभा से उत्तर गुवाहाटी स्थित युवा विकास केंद्र के संचालक रविंद्र ने भी श्रमिकों को हर संभव सहायता करने की बात कही। स्वदेशी जागरण मंच जिसकी नींव डाली दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, अरे मात्र 75 साल के अपने जीवन कार्य में और 50 साल के सामाजिक जीवन के कार्य में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, ऐसे अनेकों संस्थाएं शुरू की और केवल शुरू नहीं की तो उनको विश्व नंबर वन बनाने तक का उसमें जोश भरा, उत्साह भरा, उसमें वो भावना बनी। कैसे, क्या है ये, क्या है ये विचार, कहां से आए? आज सही मायने में इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन का हेतु यह है कि हम ऐसे महान व्यक्तियों के कार्य का आदर करें, सम्मान करें, उनसे प्रेरणा लें और हम भी इसी प्रकार के कुछ कार्य शुरू करने का। लखीमपुर जिला असम अरुणाचल प्रदेश सीमा के बंदर देवा का पठाली पहाड़ में आगामी 15 और 16 नवंबर दोनों कार्यक्रम के दौरान भगवान श्री कृष्ण की रासलीला मनाई जाएगी। दोनों राज्यों के भक्तों की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण की रासलीला मनाई जाएगी। इस स्थान में सम्मिलित नृत्य समिति पठाली पहाड़ के 15 गाँव के ग्रामीणों ने दूसरे समय के लिए भगवान श्री कृष्ण की रासलीला मनाई है। छोटे छोटे बाल बच्चों के जरिए भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का रिहर्सल हो रहा है।
फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पे। महाराष्ट्र की सत्ता पर कौन होगा काबिज और किसकी बनेगी सरकार? राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के निमंत्रण देने के बाद भी बीजेपी ने सरकार बनाने से हटाया पीछे कदम। महाराष्ट्र में 50-50 के अपने ही फॉर्मूले में फंस गई शिवसेना, पवार भी चाहते हैं रोटेशनल। शिवसेना को समर्थन पर कांग्रेस एनसीपी में घमासान, एक दूसरे पर देरी को ठीकरा फोड़ रही कांग्रेस एनसीपी। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने किया ट्वीट, कहा हम जरूर होंगे काम। तो चिराग पासवान ने बेटे चिराग को सौंपी एलजीजेपी की कमान, चिराग पासवान बोले झारखंड चुनाव अपने दम पर लड़ने के लिए तैयार है जीजू एलजीजेपी।